ये करैया के ईटमा गांव में एक घटना हुई है। उसमें नाबालिग बच्ची के साथ उसके सगे चाचा ने बलात्कार किया है, और इस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी अजय सिंह करवार को हमने निर्देशित किया, और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुए कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसी क्रम में 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की विवेचना जारी है। सर को आरोपी पर जो सुभाष सिंह चौहान जी का जो चल रहा है अभियान, बुलडोजर अभियान, उसके तहत कोई सामने निकल कर आया क्या? हाँ, इसके जानकारी के लिए हमने तहसीलदार महोदय को पत्राचार किया है कि कहीं इसकी कोई अवैध संपत्ति या अवैध शासकीय भूमि पर यदि कब्जा हो इसका, और इसकी जानकारी वो जल्दी प्रदान करेंगे, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कम समय में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी को भी पुरस्कृत के लिए सॉरी पुलिस अधीक्षक जी ने घोषणा की है, क्या किस तरीके से? इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने थाना प्रभारी करैया को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड देने की घोषणा करी है, क्योंकि कम समय में एक जघन्य अपराध की उन्होंने खुलासा किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक